बात है 1994 की। डायरेक्टर कुकू कोहली ने एक मूवी अनाउंस की, नाम था सुहाग। इस मूवी में अक्षय कुमार अजय देवगन की जोड़ी को पहली बार लॉन्च किया गया। बिकॉज कुकू इससे पहले फूल और कांटे माजिया के साथ काम कर चुके थे, इसलिए एक्सपीरियंस उनका साथ में था। चूंकि अक्षय कुमार भी पहले फूल और कांटे कर रहे थे बट किसी वजह से हो नहीं पाई, इसलिए कुकू के साथ काम करने को राजी हो गए। लेकिन कुकू कोहली को अंदाजा नहीं था ये मूवी उनके कैरियर में सिरदर्द साबित होने वाली है। हालांकि सुहाग ने रिलीज होने के बाद कामयाबी के रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन मूवी बनने का प्रोसेस बहुत ही हेडेक भरा था। इस मूवी की मेकिंग के दौरान अजय करिश्मा का झगड़ा बहुत जोरदार बढ़ गया, यहाँ तक कि करिश्मा ने शूटिंग पर आना बंद कर दिया, जबकि अक्षय कुमार किसी बात से खफा होकर मूवी की डबिंग छोड़कर भाग गए। इसके बावजूद मूवी कंप्लीट हुई और क्या क्या पंगे कैसे सॉर्ट आउट हुए इस वीडियो में आपको बताएंगे। एक्चुअली इस मूवी से अजय करिश्मा की फाइट स्टार्ट हुई। 1992 में अजय करिश्मा ने पहली बार जिगर मूवी में काम किया था, उसके बाद उन्होंने संग्राम, शक्तिमान, धनवान जैसी फिल्मों में काम किया। आखिरी बार सुहाग में दोनों की जोड़ी आई, लेकिन कहा जाता है सेट पर दोनों बहुत करीब आए और करीब आते आते फिर बहुत दूर हो गए, जिसकी वजह से करिश्मा ने सेट पर आना बंद कर दिया और मूवी की शूटिंग होल्ड पर चली गई। प्रोड्यूसर को रोज नुकसान हो रहा था, इसके लिए उनको मनाने की बहुत तैयारी की गई। बहरहाल मामला इतना बढ़ गया कि प्रोड्यूसर ने नाराज होकर गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा गाना अजय करिश्मा से छीनकर अक्षय कुमार नगमा को दे दिया। हालांकि इसके बाद जब किसी तरह प्रेशर डाला गया, करिश्मा सेट पर वापस आई, तब मूवी की शूटिंग आगे बढ़ी। लेकिन बाद में फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद अक्षय कुमार प्रोड्यूसर के बीच में काफी अनबन हो गई, जिसकी वजह से मूवी के सेकेंड हाफ की डबिंग के लिए उन्होंने मना कर दिया। इसके दो तीन रीजन बताए जाते हैं। पहला ये कि अक्षय कुमार को जो रोल सुनाया गया था वो कहानी से कट कर दिया गया और अजय को मेन लीड बना दिया है। इसके अलावा अजय देवगन अक्षय कुमार के बीच के जो भी क्लाइमेक्स सीन थे वहां पर अजय देवगन को फुटेज ज्यादा दी गई, जिसकी वजह से अक्षय कुमार ने डबिंग से मना कर दिया। एक थ्योरी IMDB पर यह भी कहती है कि अक्षय कुमार को पेमेंट देने में प्रोड्यूसर आनाकानी कर रहे थे, इसलिए सेकेंड हाफ की डबिंग रोक दी गई। बहरहाल जैसे तैसे सुहाग पिक्चर कंप्लीट हुई और आज इतने सालों बाद बहुत ही अच्छी एक्शन ब्लॉकबस्टर मानी जाती है। हालांकि इस मूवी के बाद अजय करिश्मा ने कभी एक साथ काम नहीं किया और अजय अक्षय ने भी काफी साल तक साथ काम करने से इनकार कर दिया। आफ्टर खाकी इंसान दोनों की जोड़ी दूर रही और अब सूर्यवंशी में दोनों की जोड़ी तो ऑलरेडी सेट हो चुकी है। महाराज सुहाग के किस्से बताते हैं फिल्म मेकिंग का वो दौर कितना टफ था और बड़े बड़े एक्टर्स की ईगो अफेयर किस तरह किसी अच्छी मूवी को डिस्टर्ब करते थे, और वो तो सुहाग इस मामले में लकी रही और करीब 15 करोड़ का बिजनेस किया और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। लेकिन ये सारे झगड़ों ने मूवी के प्रोड्यूसर को काफी हद तक परेशान किया। इस पूरे वाक्य पर आप किसको ब्लेम देते हैं, अक्षय कुमार को, अजय देवगन को या फिर करिश्मा कपूर को? आपको जो भी लगता है इस मूवी के डिले का रीजन था, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, बिकॉज योर फीडबैक मैटर टू अस। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।